नमस्कार दोस्तों, मिथ सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प ट्विस्ट भरा होने जा रहा है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मिथ हुड्डा की बात की जाए तो इस समय मिथ हुड्डा बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार होगा क्या और कैसे होगा। क्योंकि मिथ हुड्डा का मानना ये है कि जो सज़ा मुझे देनी है मैं मनमीत पहलवान को वो सज़ा भी दूंगी और इनसे अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी वापसी निकालूंगी फिर एक बार फिर से। और आप लोग जानते ही हैं कि जो सपना मनमीत पहलवान तोड़ना चाहता है मिथ हुड्डा का, अब मिथ हुड्डा उस सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चली जाएंगे। क्योंकि मिथ हुड्डा का मानना ये है कि अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके अगर अपनाने पड़े तो वो जायज़ हैं, क्योंकि जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ जायज होता है प्यार और जीत के लिए। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट नाइट में आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मिथ हुड्डा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया था, क्योंकि हाथ बांध दिए थे मनमीत पहलवान के। और हाथ बांधने के बाद में मनमीत पहलवान से बोल दिया कि अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, और कमरे के अंदर धुआं ही धुआं कर दिया था, जिससे कि वो सिर में दर्द, पहले तो वो बेहोश हो गए और सुबह को जब उठे तो उनका सिर बहुत ज़्यादा भारी था, और उनके हाथ पे लिख दिया कि मैं मिथ हुड्डा का मर्द हूँ। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जो चाहे वो कर सकती है मिथ हुड्डा, और मिथ हुड्डा जल्द से किसी से हार भी नहीं मानती, क्योंकि मिथ हुड्डा का मानना ये है कि हम हार माने ही क्यों, किसी से हमें क्या डर लग रहा है, किसी के साथ में हमें क्या पड़ी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में यही ट्विस्ट नहीं है, बल्कि आने वाले समय में और भी घना दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में जल्दी ही एक नया नज़रिया और भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मिथ हुड्डा बोलती हुई नज़र आने वाली हैं कि मैं कुछ एक ऐसा अनाउंसमेंट करूँगी जिसके बाद में सबकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।